एस सी वर्मा, लाइट वेव का न्यूमेरिकल 23। कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। इफ द मिरर रिफ्लेक्ट्स ओनली 64% ऑफ द लाइट एनर्जी फॉलिंग ऑन इट, वॉट विल बी द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन। तो ये 23 न्यूमेरिकल हमें 22 का ही एक्सटेंशन है, उसी 22 न्यूमेरिकल की ये फिगर, सिर्फ यहाँ पे कहा है कि अब ये मिरर जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये लाइट यहाँ पे डायरेक्ट जा रही है और ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो ये जब रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ये मिरर क्या कर रहा है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। लाइट जब सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो वो सरफेस कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा मतलब उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी। तो जो रिफ्लेक्ट होगा वो रिफ्लेक्ट 64% इंटेंसिटी ही वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी, तो इंटरफेरेंस पैटर्न में मैक्सिमा और मिनिमा जहां पे मिलेगा उनका रेशियो हमें फाइंड करना है, कई जगह पे मैक्सिमा होगा कई जगह पे मिनिमा होगा, तो उसका रेशियो फाइंड करना है। तो ये न्यूमेरिकल सेम टाइप का न्यूमेरिकल हमने 18 न्यूमेरिकल का बी पार्ट में किया है, 18 न्यूमेरिकल का बी पार्ट उसमें सेम न्यूमेरिकल किया है। वहां पे सिर्फ एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था और यहाँ पे लॉयर्स मिरर का सेटअप है, लॉयर्स मिरर का सेटअप है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, मतलब ये सिस्टम में डिफरेंस है, मेथड पूरी की पूरी वही रहेगी। तो उस न्यूमेरिकल 18 के बी पार्ट में हमने पढ़ा था कि आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम फाइंड करना है, मतलब ये हमें आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशियो फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे ये दोनों एम्पलीट्यूड के एडिशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों एम्पलीट्यूड के सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर, ये फाइंड करना है। तो ये कैसे आ गया, ये हमने 18 न्यूमेरिकल के पार्ट बी में पढ़ा है डिटेल में, तो उसे वहां से हमने इक्वेशन ले लिया है। अब हमें A1 और एम्पलीट्यूड A2 मतलब इंडिविजुअल इस वेव का एम्पलीट्यूड और इस वेव का एम्पलीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमें क्या पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब मान लेते कि जो वेव जो डायरेक्ट जा रही है उसकी इंटेंसिटी I1 होगी, वो डायरेक्ट जा रही है मतलब जितने सोर्स से इमिट हो रही वही इंटेंसिटी उसकी रहेगी, इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्ट वेव, ठीक है। और I2 क्या होगी, ये होगी I1 इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्ट वेव, और दूसरी I2 जो होगी वो इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। अब वो कितनी है, ये कितनी है, तो वो रिफ्लेक्टेड वेव की इंटेंसिटी I2 जो है वो 64% मतलब 64/100 ऑफ I1 इतनी होगी। I1 मतलब इसकी मतलब जो ओरिजिनल लाइट है उसकी इंटेंसिटी और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद की इंटेंसिटी इतनी है, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि I2/I1 इज इक्वल टू 64/100। अब ये इंटेंसिटी क्या होती है, स्क्वायर ऑफ उसका एम्पलीट्यूड, मतलब ये होगा A2 का स्क्वायर और ये होगा A1 का स्क्वायर, या फिर दोनों सेम ही लिखा A1 का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें A2/A1 मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट, तो ए मिलेगा 8/10। तो ए वैल्यू मिल गई, तो ए वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें आई मैक्स और आई मिनिमम की वैल्यू मिलेगी। तो आई मैक्स मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू A1 + A2, तो ये अगर 8 है तो ये 10 होगा, इसे डिवाइड करेंगे तो ये अगर 4 होगा तो ये 5 होगा, 2 4 2 5 2 5 2 5। तो A2 A1 दोनों की एडिशन मतलब 9 आएगी, अब 9 का स्क्वायर मतलब 81 आएगा डिवाइडेड बाय A1 - A2, मतलब ये इनका सब्ट्रैक्शन 1 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये होगा इनका रेशियो।